अबे इस राजपूत, इस राजपूत मिल रहे हैं दम है तो मार के दिखा देना। किल हो गए भाई इसके जैन भाई, और डेढ़ सौ किल तो हो ही गए होंगे। भाई लोग कैसे हो यार, मैं आ गया एक और खतरनाक सा क्लचेस वाला वीडियो लेकर के। और भाई ये जो वीडियो है इसमें एक नहीं कम से कम तीन से चार क्लचेस होने वाले, उसी के साथ एक दो क्लचेस तो ऐसे हैं जहां पे मेरा बचने का कोई भी चांस नहीं था। जैसा आपने इंट्रो में थोड़ा सा झलक देखा होगा क्लच का, तो वैसे कुछ क्लचेस पूरे वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तैयार हो जाओ। यहां उतरते भाई चार किल मिलता है, फटाफट से लेते हैं। उसके बाद टीममेट हो चुकी थी नॉक, तो पहले पीछे बुलाता हूं रिवाइव देने के लिए। और उतने में ये बंदा यहां नीचे जंप करके आता है और भाई टीममेट को ही पहले फिनिश कर देता है। खैर नॉक करके पूरा फिनिश करता हूं, उसके बाद लूट करते हैं सबसे पहले। फिर जैसे यहां आगे आता हूं सामने सीढ़ी के नीचे बंदे दिखाई देते हैं। अब यहां थर्ड पार्टी करो तुम्हारा भाई दोनों बंदों की पेटी बनाता है। उसके बाद सबसे पहले यहां हेलमेट ढूंढते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। अब यहां सीन क्या था कि भाई एक पूरी स्क्वाड बची हुई थी जो कि कहां पे थी मुझे नहीं पता, पर उतने में यहां लेफ्ट से होता है फायर, तो अब लोकेशन तो पता चल गया था, लेकिन ये भी पता था मुझे कि भाई बंदे आएंगे समन करने के लिए। तो फटाफट से यहां छत के ऊपर आकर बैठ जाता हूं और भाई पूरी स्क्वाड यहां भाग के आ रही थी। और देखते जाओ अब यहां सही टाइम पे दो बंदों को नॉक करता हूं और एक को पूरा फिनिश कर देता हूं, पर अभी भी यहां पे तीन बंदे बचे हुए थे, तो एक नेड करते हैं फटाफट से। और ये बंदा पोर्टल बना के जैसे ही आता है भाई इसको भी नॉक कर देता हूं। और अब बारी थी रस करने की। अब जब भाई बंदे की लोकेशन आपको ना पता हो और ये पता हो कि बंदा उधर साइड ही है, तो डांसिंग ग्रेनेड करो, क्योंकि भाई उसके बाद अगर बंदा कैंप भी कर रहा होगा ना तो आपके सामने लगेगा कमर हिलाने। फाइनली भाई यहां पूरी स्क्वाड को नॉक करते हैं। और एक एक करके यहां सबको फिनिश करते हैं और भाई जिनको समन करके लूट वगैरह करके सीधा यहां से निकल लेंगे। अब जैसे यहाँ नीचे कूदता हूँ भाई लोगों ने गटका फेंक दिया था, तो सबसे पहले गाड़ी ढूंढते हैं जो कि यहाँ दूर दूर तक कहीं दिख नहीं थी, पर मेरे पास भाई कारपेट था, तो फटाफट से यूज करके टीममेट को बैठा के निकल लेता हूँ। और यहाँ स्क्वाड हाउस पे पूरी स्क्वाड से पाला पड़ता है। अब ये कारपेट से भाई जहां मैंने लैंड किया था ना, अगर बंदे देख लेते हैं तो बहुत गंदा मारते हैं। जैसे टीममेट नॉक होती है मैं समझ गया था कि अब ये लोग अंधा रस करने वाले हैं। ये वाली स्क्वाड को तो यहाँ खत्म करते हैं भाई। अगर थोड़ा सा भी मजा आया तो एक लाइक कर देना, और नहीं आया तो भाई रुको जरा, क्योंकि आगे जाके अभी और भी क्लचेस होने वाले हैं, जिसमें से एक तो ऐसा है जहाँ पे बचने का कोई चांस ही नहीं था, पर फिर भी देखना क्या होने वाला है। बाकी यहाँ अब लेते हैं गाड़ी, फिर चलते हैं बंदों के ऊपर।
अब यहाँ ये वाले घर पे चला था भाई, दो दो फ्लेयर तो गाड़ी लेकर सीधा आ जाता हूँ रस करने। पर यहाँ आने के बाद पता चलता है कि भाई इस घर पे तो कोई बंदा है ही नहीं, बल्कि एक बंदा ऊपर साइड था। इस बंदे को पूरा फिनिश करने के बाद फटाफट से यहाँ पीछे घर पे जाता हूँ मैं, क्योंकि ओपन में भाई रुकूंगा तो कहाँ से पड़ जाएगी कुछ नहीं पता। अब यहाँ फ्लेयर भाई दो चली थी पर बंदा एक ही मिलता है, तो मार के निकलने ही लगते हैं कि सामने एक गिल्ली वाला बंदा दिखाई देता है। और यहाँ गाड़ी रोकना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही गाड़ी रोकता हूँ भाई, जहाँ मैंने एक बंदे को मारा था अभी वहाँ कोई और बंदा होता है, पीछे से डैमेज देता है और ये गिल्ली वाला बंदा पूरा फिनिशिंग कर देता है। उसके बाद रिकॉल तो हो जाता हूँ मैं, फिर जाते हैं सीधा गटका में पहले, और यहीं पे एक स्क्वाड भी आने वाली है। यहाँ गटका में उतरने के बाद भाई थोड़ा बहुत लूट वगैरह करता हूँ, उसके बाद 100 पैसे नेट वगैरह खरीदने की सोच रहा था, लेकिन गाड़ी की साउंड आती है। भाई डांसिंग ग्रेनेड अगर यहाँ नहीं करता ना तो पक्का पेटी बन जाती। खैर अब सबसे पहले पीछे भागते हैं और हेल्थ करके फिर देखेंगे इनको। अब हेल्थ करके भाई सबसे पहले यहाँ लोकेशन चेंज करता हूँ, क्योंकि सामने ही बंदे थे तो इसी घर में नेड आएगा मुझे पता था। पहले ये बगल वाले घर में आया पर फिर यहाँ भी सही नहीं लगा, तो उसके बगल वाले घर में आ जाता हूं। और देखो अब यहां देखा फायदा हुआ लोकेशन चेंज करने का। खैर रस करते हैं। अब सबसे पहले यहां साउंड सुन रहा था कि बंदा रिवाइव कहां दे रहा है। फिनिश करते हैं ये वाले स्क्वाड को भी। अब अगर मजा आया हो तो लाइक कर दो, एम रखते हैं 20,000 लाइक का। बाकी लूट करके सीधा गाड़ी लेकर चलता हूँ भाई सामने वाले घर पे, क्योंकि वहां से हो रहा था फायर और ड्रॉप भी गिरा था और बंदे भी होते हैं, और देखते जाओ जाते ही क्या होने वाला है। फाइनली भाई यहाँ इन बंदों को भी फिनिश करते हैं, लेकिन अभी आगे वाले घर में कुछ और बंदे आ चुके थे, तो बाहर ही बैठ के मैं फर्स्ट एड मारता हूँ और देखो अब क्या होता है। अब ये गिल्ली बाबा यहाँ सांप बने हुए थे, और भाई हेल्थ करने के बाद एक ही स्नाइपर मारते और पेटी बन जाता है, क्योंकि मेरा हेल्थ फुल था नहीं
तो M24 या Kar98 बंदा मारता है और तुरंत ही मर जाता हूँ। खैर जो भी हो, मजा आया उस वीडियो में तो लाइक कर देना। बाकी अब ये वाला जो मैच है ये रैंडम का होने वाला है और इसमें अपार्टमेंट में भाई एक के बाद एक क्लच होने वाला है, साथ में टीममेट को जो बचाने वाला है उन बंदों को मार के, उसके बाद जो रिएक्शन आएगा चुड़ैल आ गई। देखते जाओ, बहुत ही मस्त है, तो देखते जाओ अब। चुड़ैल मियां आ गए, चुड़ैल मियां। अबे साले हैदराबादी पो I got 5 eliminations just now. कमरे को मार दो नाम देख, चुड़ैल का ही नाम आया है ये। हां ये गंजी चुड़ैल जो ही लड़की है क्या? अपने अपने दोनों टीममेट्स का नाम है भाई। लड़का है, लड़का 4 नंबर और 2 नंबर का नाम है, जहाज पे पूरा कब्जा है अपना। 4 नंबर माइक ऑन करना। सुन रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है बाहर। ओ मतलब सही हो जाएगा ऐसे कुछ नाम है। अबे अबे हाँ, अरे वो सही मत होए भाई, लॉन्ग तो सही हो जाए। लिप्स लिप्स सही नहीं होते उन पे, तो रेगड़ा मारो बस, ब्रश 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 मारो। ब्रश से भी नहीं होता देख चुका हूँ यार मैं, उतने नहीं है बट हाँ इतने तो है कि पता चल जाते सामने वालों को। अरे भैया भाई बता रहा हूँ मैं, क्या अपन तो छोटी बड़ी वाले, छोटी एडवांस बड़ी। मैं घुस गया था एक समझ के। अबे भाई क्या गेम है भाई ये, ऑसम पता तो चले बंदे हैं का। मरने की देर ना हुई, पोचन की बेइज्जती है यार, कुछ तो पेन की गेम बग गई। सल्लू भाई के स्क्वाड को यहाँ फिनिश करते, बाकी अब लूट करके आगे चलेंगे अभी भी, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे बंदे थे। अब जैसे ही भाई यहाँ छत पे आया, सामने एक बंदा टीपीपी लेता हुआ दिखाई देता है। इधर वो है, वो अंदर बंदा एक ही है मार दो। अब यहाँ टीम मेट कहने पर रस कर दिया था, पर मुझे नहीं पता था भाई पूरी स्क्वाड बैठी हुई है। जैसे ही आगे बढ़ा कुछ पता ही नहीं चला, और वैसे ही भाई दूसरे वाले अगर आप जगह पे जाओगे ना तो वहाँ पे इतना अंधेरा रहता है कि बंदे कैंप करके मार ही देंगे आपको। किधर है बंदे, अपन भी आ गए। अटैक द मार्क, सामने आ जा, हम पे कूदो डायरेक्ट, हम पे कूदो। अरे ये तो यहाँ दूर छोड़ दिए आते आते तक तो बहुत। ओ वहीं है तुम्हारे पर, वॉच आउट। चार नंबर की साइड एक बंदा, वो भाई उतरते ही मार दिया मुझे, देख रहे हो? दो नंबर कवर मार दिया भाई के लड़ने। चार नंबर बचा ले भाई, सेफ है। दो नंबर तू भाग जा गाड़ी लेके। चार नंबर आ जा। वो तीन बंदे इसके पास। दो नंबर तू भी आना इधर, फाइट ले उसके साथ। तीन बंदे यार इसके पास, एक नॉक था, जीने पे रिवाइव कर रहा है, मेरे को रिवाइव कर दे। ओ यार इसको मार, इसको मार, दो नॉक है, दो नॉक है बंदे।
मार देखो। अब मुझे तो लगा कि पेटी बन गई, पर टीममेट भाई यहाँ के डीबीएस चिपका देता है बंदे को और बचा लेता है मेरे को। और देखते जो जैसे ही रिवाइव होऊंगा और बंदे भी रिकॉल होके आ जाएंगे। हेल्थ बढ़ा अपनी। अब जैसे ही रिवाइव होता हूँ भाई, आगे वाले घर में से एक बंदे का फुटप्रिंट आ रहा था, तो मैं सोचा पहले हेल्थ कर लेता हूँ, लेकिन बंदा सामने दिखाई दिया। अरे बॉट मार दिया यार। मेरे घर पे बंदा है, मेरे घर पे बंदा ऊपर है भाई, चार नंबर में। मार सकता है, मार सकता है, मार सकता है। जाओ तुम, रिकॉल ले आओ बस। इस बंदे को मारने के बाद वहां पे कुछ और बंदे आ गए, तो पर मेरे को निकलना पड़ता है क्योंकि टीममेट को करना था रिकॉल और कंटेंट भी बनाना था, तो रिकॉल तो करना ही पड़ेगा। 8 किलो गए भाई इसके, 400 में 900 की। इसके 300 में 2000 किल। I'm recalling a teammate. टीममेट को रिकॉल करके भाई सीधा आते हैं मेन अपार्टमेंट्स में, और यहाँ पे आप देखते जाओ रेंडर कर रहा है, गाड़ी आ गई मेरे पास, एक के बाद एक स्क्वाड आने वाली है। अरे बहन इनकी माँ की, तीन बंदे हैं यार चार। कहाँ पे है? इसी के पास है। बहुत बढ़िया भाई, फोर्थ नंबर गाड़ी लेता तू। अब जिस बंदे को यहाँ कूद के मारता हूँ भाई, ये पूरी स्क्वाड को यहाँ शॉटगन से लपेट देता है। और अब मुझे लग रहा था कि यार थोड़ा पहले जाना था, लेकिन उतने में ही यहाँ और बंदे आ गए। नहीं 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 पलटी। ओ और बंदे आ गए, चलो मार दिया। सिप रुक गया, यहाँ सिप रुक गया, सिप पे बंदे होंगे 100%। मार रही है, कितने किलो गए भाई इसके जैन भाई? हो गए होंगे तो 11 150 किल तो हो ही गए होंगे। कितने मार रहे? 11 किलो। I got supplies. Excellent work. I got supplies. अब मुझे लगा यहाँ ऊपर कुछ बंदे होंगे तो देख रहा था, पर ऐसा नहीं था। उसके बाद यहाँ एक गाड़ी की साउंड आती है और मैं नेट का पिन खींच लेता हूँ। और मेरे टीममेट को देखो, अब भाई इतना सही नेट करने ही वाला था कि टीममेट ऐसे आता है कि पूरा एम ही खराब कर देता है मेरा। अब हेल्थ कर रहा था तो भाई सामने वाला बंदा यहाँ डांसिंग ग्रेनेड कर देता है, तो अब सबसे पहले मैं ही कर देता हूँ कि भाई वो ना कर पाए और उतने मैं हेल्थ कर लूँ। भाई बात सुन, चौथा नंबर बात सुन, मेरे नीचे एक बंदा है, इसको लेते पहले जंप मार। बहुत सही जा रहा है, जाओ जस्ट मार। क्या चलो बुलाया पर। अरे 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 मैं सोचा यहाँ बंदा टीममेट को नॉक करने के बाद रस करेगा, पर भैया जी खुद ही यहाँ डांसिंग ग्रेनेड करके फंस जाते हैं। अबे नॉक है बंदा, उसको खत्म कर दूंगा। Awesome. Excellent work.
Watch out! It's safe here! Save me! Awesome. Excellent work. ये कहां से आ गया था भाई? भाई बचा लिया भाई, बहुत बहुत छूट है। फाइनली भाई यहाँ अपार्टमेंट हो चुका था क्लियर, तो अब टाइम आ गया था लूट वगैरह करके सीधा यहाँ से निकलने का जोन की तरफ, क्योंकि जोन भी बन चुका था तो अब तो अपार्टमेंट में कोई आएगा नहीं। Awesome. अंदर आ रहे हैं, बहुत सारे बहुत सारे टीम अंदर। Awesome. एक्सूट वाला बंदा तो भाई यहाँ सस्ता स्पाइडरमैन बन के कूदता है और कूदते ही पेटी बना देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे सिर्फ एक बंदा बचा हुआ था और जोन था काफी बड़ा। फिर हम लोग काफी देर तक गाड़ी घुमाते हैं, पैदल भागते हैं, कारपेट वगैरह उड़ाते हैं, लेकिन बंदा अब जाके ये सैक में मिलता है। अब बंदे को यहाँ ट्रोल करने के चक्कर में था, इसलिए भाई डांसिंग ग्रेनेड करता हूँ, पर ये टीममेट भैया जी किल के चक्कर में मार ही देते हैं। खैर जो भी, अगर थोड़ा सा वीडियो मजा आया कुछ भी तो लाइक कर देना। जो बंदे भी चैनल पे नए हो या भूलते भटकते आ गए हो सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।